नमस्कार स्वागतिकास कुकिंग डायरी को आपमनकु बहुत बहुत स्वागत। आज हमें बनेबा मिनी खास्ता समोसा जोटा खाइबा को बहुत ही भल लगिता है। यह भितर थिबा स्टफिंग बहुत ही खट्टा मीठा टेस्ट देता है। यह को थारे बनेले आपण मासे पर्यंत स्टोर करके रखि परबे। ताहले चलन तो देरी न करी वीडियो टिको स्टार्ट करबा। हेले ता पूर्वर आपण माने जदि ए पर्यंत मोर चैनल को सब्सक्राइब करिनांती ताले प्लीज मोर चैनल को सब्सक्राइब करबा सा पाखेते बेल बटन ने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देंतु। ताले आपण माने को मनवा नवा वीडियो रो नोटिफिकेशन मिलि जिवो। मिनी खास्ता समोसा बनाया पई मेठी 1 कप मैदा नेची सेतरे स्वाद अनुसार लुण 2 टेबलस्पून तेल आ 1 टीस्पून जीरा को देई भल भाबरे गोळे दबा। तेल देबा द्वारा एतरे गोटे बहुत ही बढ़िया खास्ता आसी थाए। प्रथमे बिना पानी रे एहाकु भल भाबरे गोळे दबा जेपरि तेल मैदा सहित भल भाबरे मिसि जीवो। जेतेबेले मैदा को हात मुठारे नै मुठा करबा एहा मुठा हे जाउतिबो सेही समय रे जानिबे आमर मैदा रे भल भाबरे खास्ता आसी जाइछि। एबे सेथिरे अल्प अल्प पानी दे गोटे सेमी हार्ड डोटे प्रस्तुत करिबा जेपरि आमे पूरी पई डोटी प्रस्तुत करिथाउ। एबे डोटी को 4-5 मिनट पई भल भाबरे चकटिबा। एबे हमर डोटी प्रस्तुत हे जाइछि। एहा को 20-30 मिनट पई रेस्ट हबा को छाडि दबा। जेते पर्यंत हमर डोटी रेस्ट नउ जे चलन तो आमे समोसा पई स्टफिंग को बनै दबा। सेति पई गोटे ग्राइंडर रो कप को नबा। सेतरे हाफ कप आमे बेसन रो सेव को दबा। ता सहित 1/4 कप ऑफ आलू भुजिया को दबा। आपण चाहिले खाली आलू भुजिया किमा बेसन रो सेव सहित भी बनै परिबे। एबे सेतरे 1 टेबलस्पून पान मधुरी 1 टेबलस्पून गोटा धनिया 1/2 टीस्पून हळदी गुंड 1 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर अल्प गोलमरीच 2 लवंग ता सहित 1 पिंच हेंगु स्वाद अनुसार लुण 2 टेबलस्पून चीनी को देई भल भाबरे ग्राइंडिंग कर दबा। एबे स्टफिंग को गोटे बड़ा बाउल को आमे ट्रांसफर कर दबा। एबे सेतरे 1 टेबलस्पून आमे तेंतुलीर पल्प को दे दबा ओ याको भल भाबरे गोळे दबा। तेंतुली दबा द्वारा एतरे गोटे बहुत बड़ा खट्टा टेस्ट आसी थाए। खट्टा मीठा रागर एही स्टफिंग बहुत ही बढ़िया लागि थाए। एबे सेतरे किछि किसमिस ओ किछि काजर खंड को पकई भल भाबरे गोळे दबा। एबे हमर खास्ता समोसार स्टफिंग रेडी जाइछि। एबे याको साइड कर रखि दबा। चलंतु हमर डो को चेक कर दबा। पाखापाखि आमर 20 मिनिट हो गलानी। डो भी आमर बढ़िया भाव सेट हो जाइए। यह भल भाव आउ गोटे मिनिट पर चकुटी दबा। देखु आमर डो के सॉफ्ट एबे एथरु छोट छोट बॉल बनेबा। एबे गोटे मैदार बॉल को नबा। से किसी सुखा मैदा को डस्ट करदेबा और यह बेलिबा। टिके लंबाड़िया आकृति कर बेलिबे जेपरी पूरी बेला जे से भाव बेलिबे ना। देखु मु कि भाव बेलुची से भाई बेलिबे। यहाँ को बेसी मोटा किंबा पतला करिबे नहीं। एबे गोटे छुरी किंबा पिज्जा कटर साहाज्य रे यहाँ को मझेरु दुई खंड कर देबे। माने गोटे गोळारु आमर दुईटे समोसा रेडी हबो। कटिंग साइड रे पानी लगे यहाँ को कोन परी फोल्ड कर दबा। पानी एठी आमर ग्लू परी काम दबो। एबे एहा भीतर स्टफिंग को फिल करिबा आउ साइड रे पानी दे यहाँ को बंद कर दबा। देखंतु मु किबळी भाबे फोल्ड करूची से भळी करिबे। एही परि भाबे आमे सब समोसा को रेडी कर दबा। एबे आमर समोसा फ्राई हबा पई पूरा रेडी जाइछि। मो आगुरु तेल को गरम करबा पई लो फ्लेम रे गैस रे बसे देतिली। मने रखिबे समोसा फ्राई करबा पई आमर तेल रो टेम्परेचर बहुत ही लो रहबा आवश्यक। सेति पई आमे गैस रो फ्लेम को सबले लो ही रखिबा। देखंतु मे सिंगडा पकेई करी देखुची। देखि परुथिबे बिल्कुल भी तेल बेसी गरम नाही। समोसा फ्राई हला बेले बडी रखिबे गैस रो फ्लेम को सबले लो ही रखिथिबे। समोसा फ्राई हबा पई टिके टाइम लागिथाय हेले एहा बहुत ही टेस्टी हेथाय। एबे समोसार गोटे साइड गोल्डन ब्राउन हेगलानी। एबे आर साइड को आमे उल्टे दबा। एबे आमर समोसार दुई साइड गोल्डन ब्राउन हेगलानी। एबे हा को तेलर छाणी आनिबा। बाकी थिबा समोसा को भी आमे एबे फ्राई करि दबा। हेले तेलर टेम्परेचर एबे बहुत ही हाई अछि। बाकी मु एबे छाणी दउछि किंतु आपण गैस रो फ्लेम को ऑफ करि देबे। तेलर टेम्परेचर टिके रिड्यूस हेला परे जे कि आपण नेक्स्ट समोसा सब को फ्राई करिबे। एबे आमर सब समोसा भल भाबरे फ्राई गलानी। चलंतु सर्विंग प्लेट रे सर्व करिबा आजिर रेसिपी मिनी खास्ता समोसा। देखि पारुथिबे केते सुंदर देखा जाउची। खाली सुंदर देखा जाउ नै खाइले भी बहुत ही भल लागिथाय। एहा को निश्चित भाबे घरे थरे ट्राई करंतु।
ଏହାକୁ ଥରେ ବନେଇଲା ପରେ ଆପଣ 1 month ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବେ। କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସାଥିରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ବି ନେଇଯାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଗେଷ୍ଟ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସର୍ଭ ବି କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।